स्टेट न्यूज 70 मन में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। इस निर्णायक जंग में हमारे चिकित्सक, स्टाफ, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी कोरोना महायोद्धा के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना जिस प्रकार से भारतीय सैनिक सीमा पर तैनात रहकर दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, वह हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, उसी प्रकार से इस कोरोना काल में हमारे चिकित्सक, नर्स, स्टाफ कर्मी, फील्ड वर्कर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। अपने परिवार को खतरे में डालकर ये लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। कोरोना काल के पिछले सेशन में देश भर में 750 से अधिक डॉक्टरों ने कोविड ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अब फिर देश भर के डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी हम सबको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। हम देश भर के चिकित्सकों, स्टाफ, नर्स, फील्ड वर्करों का हृदय से नमन करते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगाकर हम सब की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हृदय से हम उनका सलाम करते हैं। हमारे साढ़ौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े अनेकों चिकित्सक, स्टाफ, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी इस निर्णायक जंग में दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। एसएमओ डॉक्टर अमरीश मंगला की देखरेख में हॉस्पिटल से जुड़े अनेकों चिकित्सक, स्टाफ, नर्स, हेल्थ वर्कर, फील्ड वर्कर लगातार लोगों से जुड़कर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। वे कोरोना पॉजिटिव लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और साथ ही इस बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीनेशन का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साढ़ौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े अनेकों हेल्थ वर्कर व फील्ड वर्कर सेवा कार्य करते हुए खुद भी पॉजिटिव आ चुके हैं, मगर यह बीमारी उनको उनके कर्तव्य से विमुख नहीं कर पा रही है। वे नेगेटिव होकर एक बार फिर से अपने कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। साढ़ौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इन कोरोना महायोद्धाओं को नमन करते हुए आज हम अपने चैनल के माध्यम से इन अपने फ्रंट लाइन के योद्धाओं से रूबरू होंगे व इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जानने का प्रयास करेंगे। हम सलाम करते हैं हमारे महायोद्धा सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमरीश मंगला जी को। हृदय से सलाम है एएमओ डॉक्टर निशा शर्मा, डॉक्टर निशा सैनी, हेल्थ इंस्पेक्टर संजीव कुमार, विनोद कुमार, विजय कुमार, कमल, सौरभ, प्रवीण, बालकृष्ण मेहता, सुखी, अमित, ड्राइवर अमन, सुखा, फार्मासिस्ट अनिल कुमार, श्रीमती देविंदर कौर, श्रीमती सुदर्शन, डेंटल सर्जन डॉक्टर सुमिता मेहरूम, स्टाफ नर्स बबीता व कविता, बलविंदर कौर, सीमा, सक्षम अनितु, दिव्य, बोती, मंजीत एवं सैकड़ों की संख्या में हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर व हॉस्पिटल से जुड़े प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को हम सबका सलाम। ये सभी कोरोना महायोद्धा दिन रात मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। लोगों की सेवा में ये स्वयं को समर्पित किए हुए हैं। ऐसे सभी कोरोना महायोद्धाओं को स्टेट न्यूज 71 एक बार फिर से सलाम करता है। आइए इन कोरोना महायोद्धाओं से रूबरू होते हैं। देखिए किस प्रकार से डॉक्टर निशा सैनी एक पूरी किट डालकर लोगों से रूबरू होकर उनके टेस्ट कर रही हैं। स्वयं का भी जोखिम लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह। हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जो वार्ड सर्वेंट हैं और लगातार ये दिन में टेस्ट करते हैं, 50 से लेकर 100 150 तक भी टेस्ट हो जाते हैं। तो प्रवीण जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है कोरोना योद्धा के रूप में, तो जानकारी दें क्या कार्य आप करते हैं? सर मैं वार्ड सर्वेंट हूँ और यहाँ पे सैंपलिंग में मेरी ड्यूटी है। जी जी जी। और सैंपलिंग लेते हैं सर यहाँ पर। जी जी। तो सैंपल करते हैं तो पॉजिटिव भी आते ही हैं इसके अंदर? हाँ जी पॉजिटिव भी आते हैं सर, यहाँ एंटीजन भी हो रहे हैं, आरटीपीसीआर भी हो रहे हैं, जिसमें एंटीजन में यहाँ साथ के साथ पॉजिटिव भी आते हैं बहुत केस। यानी पॉजिटिव लोगों के आमना सामने रहते हैं, आपके नजदीक रहते हैं, फ्रंट लाइन पे रहते हैं सर। फ्रंट लाइन पर रहते हुए आपको फिर डर नहीं लगता मन में थोड़ा भय कि भाई मैं भी ना पॉजिटिव हो जाऊं? सर डर तो रहता है सभी को, अपने बाल बच्चों में फिक्र तो रहती है। और कोरोना योद्धा होने के साथ साथ हमें तो सरकार निकाल रही है। अच्छा। फिर भी हमारे 80 बंदे निकाल दिए इन्होंने, अब उनके लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई। एक लेटर जारी किया था आज रखने थे, आज रखे नहीं।
अपना रिस्क लगा रखा है, लेकिन आपकी नौकरी फिर भी दांव पे लगी हुई है। नौकरी हमारे रिस्क होने के बाद भी हमारी नौकरी दांव पे है, बिल्कुल जी। मतलब स्थायी रोजगार नहीं है? स्थायी रोजगार नहीं है हमारा जी, कोई भी हमें कभी भी कोई निकाल सकता है। चलिए, तो ये तो थे प्रवीण कुमार, जो अभी भी स्थायी रोजगार की तलाश में, नौकरी खतरे में डालकर भी टेस्ट वगैरह यहाँ पर देखिए करते हैं और सारा दिन इस किट में रहते हैं, और बहुत काफ़ी असुविधा भी रहती है इस किट में, लेकिन फिर भी क्योंकि है जो ड्यूटी सौंपी गई है उस ड्यूटी को पूरा करते हैं। कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका ये निभाए हुए हैं। कोरोना महायोद्धा हॉस्पिटल के इस क्षेत्र में लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। आज तो आप जानकारी दें, कितनी संख्या में दिन की एवरेज, क्या एवरेज रहती है जिनकी आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं? सर 200 के लगभग रहती है। 200 लोग? हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि 200 में कोई ना कोई पॉजिटिव हो, फिर भी आप आमने सामने बैठते हैं उसके? पॉजिटिव का डोज लगती है नहीं सर। अच्छा, लगती नहीं? पॉजिटिव को ना लगती। तो कैसे लगेगा कि भाई पॉजिटिव नहीं है वो? वो पॉजिटिव तो उसने रिपोर्ट करवानी पड़ेगी सर अपनी। अगर उसने रिपोर्ट ही ना करवाई हो मान लिया, तो फिर रिस्क तो है, मतलब रिस्क तो है ना? वो तो है। क्या नाम? तो अब तक कुल मतलब कितने को वैक्सीनेशन कर चुके हैं अपने हाथ से आप? मैं तो लगभग मेरे हाथ से लगा दिए होंगे मैंने 12-14 हज़ार। 12-14 हज़ार? 12-14 सौ लगा दिए होंगे। हज़ार से प्लस लगा दिए मैंने। हाँ, हज़ार से प्लस। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा मुकेश शर्मा नाम है। हाँ जी, मैं खुद भी एक बार पॉजिटिव आ चुका हूँ। अच्छा, कितने दिन घर पे रहे? मैं 14 दिन आइसोलेशन रहा, उसके बाद मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन की थी। हाँ जी। हाँ, आज तो आप जानकारी दें, कितनी संख्या में दिन की एवरेज, क्या एवरेज रहती है जिनकी आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं? सर 200 के लगभग रहती है। 200 लोग? हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि 200 में कोई ना कोई पॉजिटिव हो, फिर भी आप आमने सामने बैठते हैं उसके? पॉजिटिव का डोज लगती है नहीं सर। अच्छा, लगती नहीं? पॉजिटिव को ना लगती। तो कैसे लगेगा कि भाई पॉजिटिव नहीं है वो? वो पॉजिटिव तो उसने रिपोर्ट करवानी पड़ेगी सर अपनी। अगर उसने रिपोर्ट ही ना करवाई हो मान लिया, तो फिर रिस्क तो है, मतलब रिस्क तो है ना? वो तो है। चलिए, तो अब तक कुल मतलब कितने को वैक्सीनेशन कर चुके हैं अपने हाथ से आप? मैं तो लगभग मेरे हाथ से लगा दिए होंगे मैंने 12-14 हज़ार। 12-14 हज़ार? 12-14 सौ लगा दिए होंगे। हज़ार से प्लस लगा दिए मैंने। हाँ, हज़ार से प्लस। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा मुकेश शर्मा नाम है। हाँ जी, मैं खुद भी एक बार पॉजिटिव आ चुका हूँ। अच्छा, कितने दिन घर पे रहे? मैं 14 दिन। हाँ, होम आइसोलेशन रहा, उसके बाद मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन की थी। हाँ जी। हाँ जी, सोहनलाल जी, शर्मा साहब बताएंगे कि क्या आपका कार्य है, आप वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं, गाँव में भी करते हैं? हाँ जी, जानकारी देंगे जी। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगती है, यहाँ से सीएचसी सडोरा से मेरा रोस्टर बनाया जाता है जी। और जहाँ भी यहाँ से रोस्टर बन के तैयार होता है, मैं अपना सुबह ड्यूटी पे पहुँच जाता हूँ। मैं वहाँ वैक्सीनेशन भी करता हूँ। जिस दिन रोस्टर में मेरा नाम कोविड आइसोलेशन के लिए किसी को बोला जाता है जी, जी, तो मैं वहाँ भी पहुँचता हूँ। और मैं अपने हाथ से काफ़ी सेंटरों पर वैक्सीनेशन कर चुका हूँ और आइसोलेशन में, और जैसे ही किसी मरीज का हमें पता चलता है कि इस तरह कोई पॉजिटिव आया है, तो उसकी मेडिसिन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और तब तब हमें टाइम लगता है बीच में, जैसे हमारा रोस्टर में नाम नहीं होता उस दिन हम अपना वीबीडी का कार्य भी करते हैं। तो आपको पता लगेगा कि पॉजिटिव आ गया तो फिर भी उसके साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं? हाँ, उसका फॉलोअप हम करते रहते हैं। हाँ, दवाई वगैरह देते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, बाद में उसका टेम्परेचर वगैरह, पल्स वगैरह देखने के लिए भी जाते हैं। जो हम पूरी जो भी हमारे को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायतें बरतने के लिए कहा गया है, सारी हिदायतें हम बरतते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम, जहाँ से हमें गाइडलाइन मिलती है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे जो एस एम ओ सर हैं, संजीव सर हैं, बिल्कुल कोऑपरेट करके हमारे साथ दिन रात खड़े हैं। यानी एक जब पता लग गया पॉजिटिव है तो थोड़ा डर भी रहता होगा मन में कि यार ये पॉजिटिव है तो मेरे भाई मैं भी इसका शिकार हो सकता हूँ? नहीं सर, अब की बार तो नहीं रहता। जब पहले शुरू में ये बीमारी आई थी, तब हमें एक दो मरीज को शिफ्ट कराने के लिए गए, तब थोड़ा डर था, लेकिन उसके बाद हमें कोई डर नहीं लगा किसी तरह का। और हम बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल जनता के बीच में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। जनता भी हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रही है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में डर है कि वो टेस्ट वगैरह नहीं करा रही है, वैक्सीनेशन नहीं करा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनसे कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के हमारी विनती है उनसे कि आप लोग टेस्ट कराएं ताकि पता लग सके, और जिसको ये लगे कि मेरे को कोई किसी तरह की दिक्कत है तो वो लोग अगर अपना टेस्ट कराते हैं और
पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो खुद ही अब हम उनको आइसोलेट कर देते हैं और उससे उसकी पूरी फैमिली बीमार होने से बच जाती है। और तीन चार दिन के बाद जैसे पूरी फॉलोअप किया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद वो रिकवरी में आ जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत लगती है तो हम CHC के स्टाफ की सहायता से उन्हें कोविड आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पे उन्हें शिफ्ट करवा देते हैं। तो आप एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमारी टीम आपको सलाम करती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी विनोद जी। हाँ जी, मेरा नाम विनोद कुमार है जी, HIVCHC से हूँ जी, और मैं जो पॉजिटिव केस आते हैं उनके जो कॉन्टेक्ट के हैं उनकी सैंपलिंग करता हूँ, जो दोबारा फिर पॉजिटिव आ जाते हैं उनको क्वारंटाइन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करता हूँ और उनको किट देते हैं, सरकार की तरफ से किट आ रही है तो वो किट देते हैं और उनकी 5 दिन की दवाई होती है किट में, और उसमें ज़्यादा तो नहीं होती, मतलब 3-4 तरह की दवाई होती है और उनको मोटिवेट किया जाता है पेशेंट को कि अकेले रहे, बच्चों से दूर रहें और ज़्यादा तो ये काम ज़्यादा करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं हम, हाँ उसी के पॉजिटिव के कॉन्ट्रैक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, दवा सब कुछ पॉजिटिव केस के हम लोग रहते हैं। कितना समय हो गया आपको ये कोविड में काम? ये लगभग मैंने पिछला साल भी हो गया, अब भी मैं पूरा काम कर रहा हूँ। तो इस दौरान क्या आप भी कभी? एक बार पॉजिटिव आया हूँ पिछले दूसरे महीने में, दूसरे 14 दिन के लिए मैं भी क्वारंटीन रहा और मैंने फिर घर बैठ के भी अपना फोन पे कांटेक्ट करके फोन पे भी काम करता रहा हूँ। जैसे भी मेरा ये रिस्की काम है, जैसे रिस्की तो देखो, फिर भी आप काम कर रहे हैं तो फिर भी काम कर रहे हैं, एज भी ज्यादा है वैसे मेरी 56 साल की एज है लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सरकार की हिदायत है कि 50 साल के बाद कोविड में काम नहीं कर, लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई और पॉजिटिव तक हो जाते हैं, काम करते हैं तो सारा काम होता है। तो हमारी टीम की तरफ से आपको सलाम है जी। हाँ जी, थैंक यू, रिस्क लेके आप दूसरों की जान बचा रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू, पूरा समाज आपका आभारी है, थैंक यू। पिछले कोरोना काल में यह शख्स एक कोरोना महायोद्धा के रूप में लोगों के बीच में उभर कर सामने आया था। इस व्यक्ति ने लोगों की दिन रात सेवा की थी, इस बार भी यह अपनी ड्यूटी का निर्वाह पूरी निष्ठा व लगन से कर रहा है, आइए इससे बात करते हैं। जी संजीव जी, जरा जानकारी दीजिए, आप अपने कार्य के बारे में बताएं, किस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, फ्रंट लाइन के आप योद्धा माने जाते हैं तो कैसा कार्य कर रहे हैं और क्या भूमिका आपकी इस वक्त है? कोरोना के जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मैं ही कार्यरत हूँ और कोरोना से संबंधित सभी कार्य जैसे सैंपलिंग कराना, केस पॉजिटिव आने पर उसको होम आइसोलेशन या सीरियस पेशेंट आने को शिफ्ट करना, और अभी जब भी अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया तो वैक्सीनेशन भी करवानी, रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट सब इंतजाम करना, और जैसे हमारे SMO साहब हमें मार्गदर्शन करते हैं सुबह या शाम को, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं, हम बताते हैं अगले दिन कैसे काम करना है, उनके ही मतलब मार्गदर्शन में वो कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट को दिक्कत ना आए। जब हमारी टीम जो मतलब जैसे हमारे पास कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो उसका होम आइसोलेशन हमारी टीम चेक करती है, अगर वो होम आइसोलेशन में रहने के काबिल हैं तो उनको होम आइसोलेशन रखते हैं, अगर सीरियस लगता है तो उनको शिफ्ट करते हैं। तो सारा दिन आप ऐसे लोगों के संपर्क में, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी कोई मन में डर भय? पिछले बार भी नहीं था डर भय से तो काम नहीं चलेगा, वैसे हमने वैक्सीनेशन करवा लिया था जब वैक्सीन स्टार्ट हुआ था, तो जब भगवान ने सरकार ने मौका दिया तो फिर काम करेंगे, तो कोई डर मन में है नहीं, डर कोई मन में। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे भी, जो लोग अभी भी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वो एक तो अभी कोरोना गया नहीं है और जब तक लोग ही खुद अपने आप मोटिवेट होके सोशल डिस्टेंसिंग और जो पेशेंट होम आइसोलेशन में वो घर पे सेपरेट रहना, और लोगों का जब तक सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, सरकार तो अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर ही रही है, जब लोग जागरूक हो जाएंगे कोरोना खुद ही खत्म हो जाएगा। तो लोगों से हमारी उम्मीद है कि वो सब डिपार्टमेंटों का सहयोग करें जो भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी कहीं लोग सैंपल कराने के लिए भी नहीं आते, लक्षण है लेकिन अब कुछ मन में डर है, तो उनको क्या कहेंगे आप? उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सैंपल कराएं, हम घर घर टीम भेज रहे हैं, गांव में टीम भेज रहे हैं, यानी कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं, नहीं डरने वाली बात तो सैंपल करा के हो भी गए तो आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव होने के बाद कम से कम आपको पता चल गया पॉजिटिव हो गए, घर में आइसोलेट हो गए, आपके घर वाले तो सुरक्षित हैं, सबसे पहले तो आपके घर वाले सुरक्षित हैं, समाज तो बाद में, और आपका इलाज हो जाएगा, मतलब आपका इलाज हो जाएगा।
अगर आप घर बैठे रहोगे, इसको हम किसी को डिपार्टमेंट को सरकारी अस्पताल को सूचना नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो संजीव जी आप एक बहुत फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, तो आप हमारी टीम आपको सलाम करती है, आपका धन्यवाद करती है, संपूर्ण समाज की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि फ्रंट लाइन पर आप जो है लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक अन्य कोरोना महायोद्धा एएमओ डॉक्टर निशा शर्मा जी से। मेरे साथ इस वक्त एएमओ निशा शर्मा जी जो होम आइसोलेशन को जो है इसको देखते हैं, यानी घर में जो रहते हुए जो पेशेंट हैं पॉजिटिव वो घर में रहते हैं, उनकी पूरी देखभाल करना, दवा दारू का उनका इंतजाम करना, उनकी व्यवस्था देखना, हर वक्त बीपी वगैरह चेक करते रहना, और अगर शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो फिर उनको शिफ्ट करना। तो उनसे जानते हैं कि एक कोरोना योद्धा के रूप में वो किस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं। मैडम जी बताइए जरा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा शर्मा है। इस टाइम में सढ़ौरा के जितने भी पेशेंट्स हैं, सढ़ौरा एंड रसूलपुर के जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड पॉजिटिव जो होम आइसोलेटेड हैं, उनका जो कंप्लीट केयर का है वो सारा हम लोग देखते हैं, और जो पेशेंट्स जिनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है उनको होम शिफ्ट करवाने में पूरी हेल्प करते हैं, एम्बुलेंस अरेंज करवाना और डेली उनकी मॉनिटरिंग करना, किसी के ऑक्सीजन लेवल्स अगर डाउन आते हैं तो उनको CHC में पूरा रिपोर्ट करके उनको बिलासपुर या उनकी हेल्प पूरी की जाती है। और कुछ और उनके पेरेंट्स वगैरह, उनके जो रिश्तेदार वगैरह, उनको भी उनका भी सामना आप ही करते हैं, कई बार कहते हैं कि थोड़ा मिसबिहेव वगैरह भी होता है उनकी तरफ से, हो जाता है। पेशेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ के हमारा कोरोना निकाल दिया गया है, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर उनको समझाते हैं हम कि ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के निकाला जाता है केस। अभी जो है इस टाइम की सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, पेशेंट्स लोगों को ये चाहिए कि इन चीज़ों को समझ के अपने घर पे ही रहे, और कंप्लीट जो हम उनको समझा रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो प्रॉपर खाएं और अपने घर पे रहें, आइसोलेट रहें, अपनी फैमिली से आइसोलेट रहे, ताकि ये आगे किसी फैमिली मेंबर को ना हो और आगे सोसाइटी में भी ना हो किसी को। यानी आपकी ड्यूटी है हमेशा ही जो पॉजिटिव लोग उनके बीच में रहना, तो आपको कहीं डर कि ये बीमारी मेरे को भी हो सकती है, मैं ही बाल बच्चेदार हूँ, मेरा अपना परिवार है? जी बिल्कुल नहीं, डर तो है लेकिन ड्यूटी तो करनी है ना, अगर हम लोग भागेंगे तो फिर कौन देखेगा इस चीज को, तो बिना डर आप काम करते? बिल्कुल करेंगे और कर भी। परिवारजन से, परिवार वाले जैसे कुछ बोलते होंगे? नहीं नहीं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। जी जी, वो कहते हैं कि सोसाइटी को हेल्प करना है तो जरूर हम साथ ही, सब साथ हैं मेरे फैमिली मेंबर्स भी। क्या संदेश देना एक कोरोना योद्धा के रूप में, आप एक कोरोना योद्धा के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जिनको कुछ लक्षण आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और मास्क वगैरह का, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूंगी भी अपने अपने घरों में ही रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही निकले, आवश्यक हो तो ही निकले, अदरवाइज अपने घर पे ही रहे और सेफ रहे, मास्क का यूज़ करें, बार बार हाथ धोते रहे और अच्छी डाइट ले, इस समय बहुत ही क्रूशियल है। आप सब प्लीज़ अपने अपने घर पर रहें, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सभी गांव में भी लोग कोई भी इस चीज़ का पालन नहीं कर रहा है, आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सब अपने घर पर ही रहे। तो आप एक कोरोना महायोद्धा के रूप में इस वक्त फील्ड में हैं हम सब की रक्षा के लिए, तो हम अपनी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपको सलाम करते हैं। थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम मिलते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमरीश मंगला, जो कि कोरोना महायोद्धा के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वाह सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो जैसे सरोरा क्षेत्र में अच्छे खासे अपना केस सामने आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो किस प्रकार से क्या आपने अपना सिस्टम बनाया हुआ था कि इन पर नियंत्रण हो सके, लोगों अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग वगैरह हो, किस प्रकार से आप संभाल कर रहे हैं जो मरीज? हाँ जी, अप्रैल 21 के बाद जी सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा मरीज आ रहे हैं पहले के मुकाबले, और इसमें हमारा मेन फोकस इसी चीज़ पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग करें, और जो पॉजिटिव पेशेंट आए उनको जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करें, और उनको हिदायत दी जाती है कि वो घर पे ही रहें, आइसोलेट रहें, और फैमिली मेम्बर्स के, अपने कॉन्टैक्ट्स के जल्दी से जल्दी सैंपल कराएं, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब भी जिसका वैक्सीनेशन का स्लॉट खुलता है हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं कि पूरे स्लॉट यूटिलाइज हो और सबको टीका लग जाए।
क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पैनिक बिल्कुल ना करें। 95% मरीज जो पॉजिटिव निकलते हैं उनको बहुत हल्के सिम्टम होते हैं, उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। अपने मेंटली स्ट्रांग रहें और जनरल अवेयरनेस से, कॉमन ट्रीटमेंट से, जो हमारी होम आइसोलेशन की किट्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, हमारी टीम रेगुलरली उनको मॉनिटर करती है, अपना नंबर दे के आती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले उस टीम से डिस्कस करें, पैनिक में घर ना छोड़ें। बस मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि पैनिक में घर ना छोड़ें, टीम से डिस्कस करें, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके एडमिशन की जो भी संभव होगी मदद की जाएगी। आइए अब हम मिलते हैं होम आइसोलेट हो चुके मरीजों की संभाल कर रहे फार्मासिस्ट अनिल कुमार, अमित कुमार एवं कमल कुमार से। ये कोरोना महायोद्धा फ्रंट लाइन पर रहकर कोविड मरीजों की संभाल करते हैं एवं सैंपलिंग आदि का कार्य भी करते हैं। ये कोरोना महायोद्धा लोगों को वैक्सीनेशन की पहली व दूसरी डोज लगातार लगा रहे हैं। रिस्क होते हुए भी ये सभी अपनी ड्यूटी का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। ये हैं सक्षम योजना के तहत रखे हुए कर्मी जो कि दिन रात इस कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं, एक कोरोना योद्धा की भूमिका में आ चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि कोरोना महायोद्धा किस प्रकार से गांव में जाकर लोगों को टेस्ट आदि लेते हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे ये लोग SMO डॉक्टर अमरीश अमंगला से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं कि किस गांव में जाना है, कितने टेस्ट इन्होंने करने हैं। दिशा निर्देश लेकर ये दवा आदि गाड़ी में रखते हैं, बाकी किट आदि भी गाड़ी में रखकर फिर ये गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर विजय कुमार जो कि एक बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं लेकिन नेगेटिव होकर फिर अपने कर्म क्षेत्र में उतर गए हैं, अब अपनी टीम के साथ गांवों के लिए निकल पड़ते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर विजय कुमार इसके बाद गांव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो हेल्थ कर्मी से बात करते हैं और यह जानते हैं कि किस घर में कितने कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। हेल्थ कर्मी को लेकर फिर वो पॉजिटिव आए हुए व्यक्ति के निवास स्थान के पास पहुंचते हैं ताकि उसके घर के अन्य सदस्यों व आसपास के लोगों को टेस्ट किया जा सके। इसके बाद कोरोना महायोद्धाओं का कार्य आरंभ हो जाता है। हेल्थ इंस्पेक्टर विजय कुमार अब सुरक्षा किट धारण करते हैं और उसके बाद टेस्टिंग के कार्य में जुट जाते हैं। बाकी साथी इनका पूर्ण सहयोग करते हैं। जी विजय जी बताएं कि कहां पर जाके आपको सूचना मिलती है कि क्या कहां पर पॉजिटिव कोई आया तो वहीं पर जाते हैं वैसे ही वैसे? हमारे को जी CHC से सूचना मिलती है जी जी जी, और जहां जहां पॉजिटिव केस होते हैं उसके कांटेक्ट के और उसके सराउंडिंग जी 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 15 से 20, 25, 30 घरों में जो लोग करवाना चाहें उनके हम सैंपल करते हैं। अच्छा, तो जो पॉजिटिव आ गया उसके प्रति क्या कार्य होता है फिर आपका? उसके प्रति हम उसको होम आइसोलेट करते हैं और उसको जो भी ऊपर से दवाई मिलती है किट वो प्रोवाइड करवाते हैं, संभाल रखते हैं। हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डर नहीं रहता मन में कभी पॉजिटिव? ना ना, इस तरह की कोई हमारे मन में वो नहीं है। कभी पॉजिटिव आप भी आए क्या बीच में? हाँ आया हूँ मैं भी एक बार। हाँ जी,
तो फिर कितने दिन घर पे रहे या वो? 14 दिन होम आइसोलेट रहा जी, उसके बाद फिर ड्यूटी पे खड़े हो। हाँ जी, हाँ। अब डरने के द्वारा भी आ जाए तो ना कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से इन महान कोरोना महायोद्धाओं को हमारा सलाम, हम इनके बेहतरीन स्वस्थ की कामना करते हैं। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।